नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नेटवर्क। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। 700 बसों को किराए पर लेकर चलाने और मोटर व्हीकल संशोधन 2017 का विरोध कर रहे हैं। इसके चलते हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने मंगलवार 7 अगस्त को चक्का जाम का फैसला लिया। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार का बयान, आज रोडवेज की 500 बसें चल रही है, इसके अलावा 950 सहकारी यूनियन की बसें भी चल रही है। कर्मचारियों के खिलाफ हरियाणा सरकार लेगी एक्शन। 2018 में भर्ती हुए हैं और जो प्रोबेशनर पीरियड पर काम कर रहे हैं उन ड्राइवरों को नौकरी से जाना पड़ सकता है। बिना नोटिस के छुट्टी करने पर होगी कार्रवाई। इसके अलावा जो हड़ताल पर गए हैं उनके खिलाफ भी सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। रोडवेज के चक्का जाम के बाद बोले परिवहन मंत्री, हम रोडवेज का नहीं कर रहे हैं निजीकरण। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि इस समय प्रदेश में विभाग की लगभग 500 बसें चल रही है और सहकारी समिति की 950 बसें चल रही है। हम अधिकारियों से निरंतर संपर्क में हैं और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि लोगों को आवागमन के लिए किसी प्रकार की परेशानी न आए। उन्होंने बताया कि रोडवेज के पदाधिकारियों के साथ 15 दिन पहले बैठक हुई थी, जिसमें उनकी 34 मांगों में से 33 मांगे मान ली गई थी। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया था। जब अधिकारियों ने कहा कि सरकार 720 बसें लेकर आ रही है और विभाग का निजीकरण कर रही है, तो मैंने कहा कि रोडवेज का निजीकरण नहीं किया जा रहा है।